मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। किसान आंदोलन के मामले में आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक नई मांग की है कि यह मामला हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। हरियाणा में भी इसका विरोध हुआ, कई राज्यों में इसका विरोध हुआ, लेकिन अब जो हम खबर आपको बताने हैं, ये खबर जो है सीएम सिटी कनाल से आ रही है। अब हरियाणा उद्योग व्यापार मंडल ने भी किसानों के आंदोलन को अपनी एक तरह से सहमति प्रदान कर दी है। हरियाणा उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्य समिति की आज एक बैठक स्थानीय महाराजा अग्रसेन भवन में आज आयोजित की गई, जिसके संयोजक जो है वहाँ के जिलाध्यक्ष विशाल गर्ग थे, जिसमें उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के साथ जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उद्योग व्यापार मंडल ने किसानों को पूरा समर्थन देने की बात कही। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मित्तल ने भाजपा की सरकार को व्यापारी विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार नए पोर्टल और कानून के माध्यम से व्यापारियों पर थोप रही है, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। पोर्टल चलते नहीं हैं, कानून की जानकारी अधिकारियों को नहीं है, व्यापारियों पर जबरन काले कानून थोपे जा रहे हैं। महेंद्र मित्तल ने यहाँ तक कहा कि अब हरियाणा में उद्योग लगाना तक कठिन हो गया और जो उद्योग चल रहे हैं उन्हें चलाना मुश्किल हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के संगठन प्रभारी पृथ्वी सिंघल, जोनी मंगला, मनीष सिंगला तथा विकास कंसल और विशाल गर्ग समेत कई व्यापारी मौजूद थे। आप भी सुनिए कि इन व्यापारियों ने आज समाचार एक्सप्रेस से क्या कुछ कहा। महेंद्र कुमार मित्तल आज सबसे पहले भारत माता को, भारत के सैनिकों को, भारत के किसानों को, जो हमारे देश को सुबह शाम रोटी देते, और भारत के उन सब व्यापारियों को जिन्होंने समय समय पर सरकार की, देश की, राष्ट्र की रक्षा की, और मेरे आए हुए सभी मेरे भाई, मेरे करनाल के भाई, मेरे बरवाला से आए हुए भाई, मेरे पृथ्वी सिंगला जी, और आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे भाई विशाल गर्ग जी, वो आए हुए सभी साथियों को, धरती माता को सर झुका के पहले नमन करता हूं। आज व्यापारियों की जो स्थिति है, व्यापारी जिस मोड़ से गुजर रहा है, व्यापारियों को इस लॉकडाउन में क्या नुकसान हुआ, कितनी मुसीबतें झेलकर भी व्यापारियों ने भारत सरकार का साथ दिया। समय समय पर व्यापारी लोनी होने के बाद भी, बैंक का कर्ज बंद होने के बाद भी, उन्होंने अपने पास से पैसा निकाल के लोगों को भरपेट भोजन दिया, सुबह शाम उनको साथ दिया, उनके साथ चले। लेकिन सरकार की तरफ से आज व्यापारी वर्ग बिल्कुल शोषित है, अकेला खड़ा है। सरकार के समय समय में बड़े बड़े पैकेज आए हैं, ना जाने कहां चले गए। और हरियाणा सरकार में हमारे मनोहर लाल जी खट्टर ने एक टैक्स लगाया, जिसका नाम रखा उन्होंने ट्रेड टैक्स। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जोर जोर के कहा करते थे कि जीएसटी लगवा लो, उसके बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 2014 का मैंने कल एक अखबार देखा, उसमें यहां तक कहा गया कि इनकम टैक्स भी नहीं लेंगे हम, उसको भी खत्म करेंगे। ट्रेड टैक्स कोई इतना आसान नहीं है, हमने बहुत चर्चा की और यहां तक कहा, हमने गृह मंत्री जी से, उनके अंडर ही आता है हमारा निगम का, भाई एक बार हमारे से चर्चा करें, ये ट्रेड टैक्स नहीं है, व्यापारियों को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र रचा है हरियाणा सरकार ने। ट्रेड टैक्स के फॉर्म इतने जटिल हैं, अगर हमारे गृह मंत्री भी भर देंगे ना उसको, तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे उसका अपना। उसमें एनओसी लाओ दमकल के अंदर की, एनओसी लाओ अपनी दुकान की, एनओसी बैलेंस शीट लाओ। भाई बैलेंस शीट तो हम पहले सेल टैक्स को दिखाया करते थे, अब हमें निगम के चेयरमैन को भी बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद जो उन्होंने टैक्स लगाया ट्रेड टैक्स, वो बैलेंस शीट के ऊपर लगाया। पहले 1000 रुपये का टैक्स हुआ करता था, 1000 रुपये हर आदमी भर के रसीद लेकर अपना काम करता था। लेकिन अब ये ट्रेड टैक्स इतना जटिल बना दिया हरियाणा सरकार ने, ये सरकारें नहीं रही अब, ये हिटलरवादी आ गए। अब ये हरियाणा के सभी लोगों को, हमारे व्यापार को ये खत्म करने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, ट्रेड टैक्स लगा के, FSSAI लगा के,
बैंकों से लूट के और अफसरशाही लगा के अब इन्होंने तो ये ट्रेड टैक्स लगाना एक बहुत खतरनाक है भारत के लिए, हमारे हरियाणा वासियों के लिए। आज किस लिए इकट्ठे हुए? आज हम ये सारे पहले तो संगठन को मजबूत करने के लिए कि हमारा जो संगठन है ना पूरे भारत में फैले और पूरी तेजी से काम करे। संगठन है, सुरक्षा देंगे और इसके अलावा शक्ति बढ़ेगी। संगठन का मतलब क्या है? संघ रह के ठान लो, हम संघ इकट्ठे होके एक ठान लेंगे कि हमने व्यापारी वर्ग को शोषित नहीं होने देना। आने वाले समय में हमारे बच्चे काम नहीं करेंगे। आज सरकार की जो नीतियां हैं, हरियाणा सरकार की जो हिटलरवादी नीतियां हैं, शायद मेरे बच्चे काम नहीं करेंगे। आने वाले किसी भी व्यापारी का बच्चा काम नहीं करेगा। और ये जो खिचड़ी सरकार है हरियाणा की, इसमें तो यही नहीं पता आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे और परसों क्या होगा। आज ये जो 3 अध्यादेश आए, इसमें मेरे व्यापारी भी थे पीपली में, और कितने डंडे लगे, एक मेरे व्यापारी का हाथ भी टूटा पड़ा है। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, खुले शब्दों में कहा उन्होंने, हमने डंडे नहीं लगाए। भाई डंडे हमने तो मारे नहीं अपने आप को। हमारे खट्टर जी कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने अपनी सुरक्षा की मार के, और हमारे तीसरे कंवरपाल जी हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वीडियो लाओ, वीडियो दिखाओ। तो हमें समझ नहीं आ रहा आज हमारे हरियाणा का किसान, हरियाणा का व्यापारी, हरियाणा का मुनीम, हरियाणा का जो हमारा काम करने वाला मजदूर आज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो इसको लेके आज हमने ट्रेड टैक्स के लिए भी उठाया मुद्दा। अगर ये ट्रेड टैक्स खत्म नहीं किया गया, आज तो हमारा किसान सड़कों पे है, और आने वाले 1 महीने के बाद मेरे हरियाणा का पूरा व्यापारी सड़कों पे होगा। या तो ट्रेड टैक्स हटा दें, इतने टैक्स व्यापारी नहीं दे पाएगा। आने वाला समय व्यापारियों के बच्चों के लिए बहुत जटिल आता जा रहा है। एक इनका जो FSSAI कानून है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, पूरे भारत के लोग उससे पीड़ित है, पूरे भारत के। आप उसका पोर्टल खुलता ही नहीं है, पहले तो पोर्टल खोल लो, चालान फॉर्म आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लोग पैसे जमा करा देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि भोले भाड़े व्यापारी हैं हमारे, स्मार्टफोन भी शायद चलाना नहीं जानते 90% लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा कराने के बाद फिर आज चालान आ जाता है, जी ऑनलाइन कराओ। भाई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा हुआ उसको वापस करो। हमने दिल्ली बात की, जो इनका FSSA का हाउस है, वो कहते हैं जी चलो स्टेट बैंकों में जमा हो गया, आपकी सड़कें बन जाएंगी भारत की। भाई इस तरह लूटना ही है तुमने तो एक चालान फॉर्म निकालो, या ऑनलाइन निकाल दो, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निकाल दो, या कोई और निकाल दो। पूरे हरियाणा में एक भी ऑफिसर को, चाहे वो CMO है, चाहे सैंपल भरने वाला इंस्पेक्टर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे FSSAI का है, एक भी आदमी को FSSAI कानून का पता नहीं है। और कल तो इन्होंने FSSAI में एक और निकाल दिया, हलवाई को 1 अक्टूबर के बाद मिठाई खुली नहीं बेचेगा। भाई कहां से लाएंगे? 700-800 साल का इतिहास हमारा खराब कर रहे हो। और यही FSSAI कानून के बारे में 2013 में हमारे देश के मुखिया इसका विरोध किया करते थे, और यही GST इसका विरोध हमारे मुखिया किया करते थे जंतर मंतर में। यही मैं तो आज बड़ा चिंतित हूं इस बात को लेके। हरियाणा में हमारे बहुत व्यापार मंडल चल रहे हैं, चलने भी चाहिए, किसी को भी ट्रेड टैक्स के बारे में नहीं पता, एक को भी, किसी को FSSAI कानून के बारे में नहीं पता। आज का नहीं लिया, EMI नहीं ली, लेकिन अब एकदम लेना शुरू कर दिया। व्यापारी कहां से देगा? व्यापारी के पास पैसा नहीं है, व्यापारी आज खत्म हो चुका है। व्यापारी आने वाले समय में ना जाने क्या क्या करेगा, इसके बारे में हम अभी नहीं कहेंगे। आने वाला समय व्यापारी के लिए, व्यापारी के बच्चों के लिए, जो ऑनलाइन आ रहा है, फिलिप्स कार्ड आ रहे हैं, अमेजन आ रहे हैं, और भी कई कंपनियां नई नई आ रही हैं, अडानी अंबानी आ रहे हैं, भाई ये कहां व्यापारियों को भेजना चाह रहे हो? आज मार्केट में धंधा नहीं है, मार्केट में काम नहीं है, आज मार्केट में बेले बैठे हैं व्यापारी, मेरे सो रहे हैं गद्दियों पर बैठे हुए। अगर यही हाल रहा, अगर कोई सुधार नहीं हुआ, तो आने वाला समय व्यापारियों के बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए, हमारे समाज के लिए, पूरे भारत में
एक खतरे की घंटी बजने वाली है और इसको बचाने के लिए व्यापारी वर्ग को मैं सभी को कहूंगा एक मंच में आए, हमारी सुने, अपने विचार दें। जो भी होगा उसके बाद उद्योग व्यापार मंडल, जब तक ये मेरी हरियाणा सरकार ट्रेड टैक्स खत्म नहीं करेगी या हमारे से बहस करे, FSSAI कानून खत्म करना पड़ेगा। क्यों नहीं खत्म करें? टाटा को दो FSSAI, बिरला को दो, बड़ी बड़ी अडानी अंबानी कंपनियों को दो, आम आदमी पे FSSAI बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बहुत सारे जी अजूरी करने वाले सरकार के 708 रुपए छोटे छोटे जो रेड़ी लगा रहे हैं लोग, जिनके पास दो थैली दूध हैं उनसे लेके जा रहे हैं और उनको एक है ना 10 रुपए का एक ऐसा कागज दे जाते हैं 10 रुपए का और कहते हैं जी आपका लाइसेंस बन गया। ये सरकार ने अपने जितने जी अजूरी करने वाले हैं, जितने उनके यानी सागिर्द हैं, उनको लूटने का एक ठेका दिया है। और अब कल मैंने पढ़ा है कि अब जितने निगम के बाहर के भी कमेटी हैं उन पे भी सरकार टैक्स लगाने जा रही है। तो सरकार कर क्या रही है? 70 सालों में सफाई हुआ करती थी, किसी को दिक्कत नहीं आई, लेकिन आज सफाई का पैसा भी देना पड़ रहा है, कचरा टैक्स लगा रही है सरकार। आने वाले समय में ना जाने ये सरकार जीने मरने का ऐप भी लगा दे, कुछ नहीं पता अभी इनके बारे में। कल खिचड़ी सरकार ने, जितनी मेरी है खट्टर सरकार ने, ऐप निकाल दिए। भाई ऐप खोलेंगे, काम करेंगे, धंधा करेंगे, बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे? सरकार को अब चाहिए, अब सरकार को, ये मेरे 90 विधायक बैठे हैं हरियाणा के, एक भी विधायक व्यापारी की बात नहीं करता, एक भी विधायक किसानों की बात नहीं करता। 10 MP हैं, पहले तो इनकी शक्लें 15 दिन नजर आती हैं जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद एक भी MLA, एक भी MP, एक भी MC, एक भी चेयरमैन नजर नहीं आता। 3550 MLA हैं पूरे भारत में, 3500 या 3600 के करीब, 546 MP हैं, 265 या 70 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं और बाकी ये लगा लो चेयरमैन, 8000 लोग पूरे देश का, व्यापारियों का इनकम टैक्स, व्यापारियों का GST, व्यापारियों के ओवर टैक्स, ये सारा इनका कब्जा इन लोगों के पास है। साहब क्या अल्टीमेटम दिया आज आपने कि सरकार को कब तक का टाइम दे रहे हो डिमांड के लिए? ऐसा है, ट्रेड टैक्स अगर सरकार 2 महीने के भीतर खत्म नहीं करेगी तो व्यापारी भी सड़कों पे होगा, व्यापारी सड़कों पे आएगा, व्यापारी एक जिम्मेवारी से आंदोलन करेगा, कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो आगे सख्त कदम उठाएं। सर एक उद्योग नीति लेके आई है कल सरकार ने, घोषणा की है नई उद्योग नीति, इसको लेके क्या कहना आपका? ऐसा है, सरकार जो भी कर रही है, जितनी नीतियां ला रही है, इनका यही नहीं फंडा समझ आता है नीतियां सही हैं या गलत है। कल MSP लाए हैं, उसमें अभी तक कोई लिया नहीं गया, MSP में कोई जीरी नहीं एक भी ली गई, कह रहे पहली से लेंगे, ऐसा है, कोई विश्वसनीय बात नहीं है किसी भाव में भी। मैं मान के चलता हूं व्यापारी वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए इनकी कोई विश्वसनीय बात नहीं है। हमारे दुष्यंत चौटाला जी रात को कुछ कहते हैं, सवेरी कुछ कहते हैं, खट्टर जी रात को कुछ कहते हैं, सवेरी कुछ कहते हैं। तो हम तो यही लेके आए हैं, या तो व्यापारी को बसने दो, ऑनलाइन बंद करो, ये जितने आलतू फालतू के टैक्स लगा रहे हैं ये ताऊ खट्टर जी, हाथ जोड़ के विनती है, या तो ऐसे ना लगाओ, अगर लगाओगे तो जनता माफ नहीं करेगी, अब जनता माफ नहीं करेगी। जनता क्या कारण है कि व्यापारी भी दो फाड़ हुए हैं, कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं और कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, चैंबर ऑफ कॉमर्स इसका समर्थन कर रही है सरकार की नीतियों का? ऐसे चैंबर ऑफ कॉमर्स पे जितने मर्जी टैक्स लगा लो, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास खरबों रुपए पड़े हैं, लेकिन जो हमारे जैसा खुदरा व्यापारी है, एक स्मॉल जिसको कहते हैं स्मॉल मध्यम व्यापारी, वो हम लोग पूर्णतः विरोध करेंगे। चैंबर ऑफ कॉमर्स कुछ ही करे, हम चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच में नहीं आएंगे। एक मंच पे आ सकते हैं, लेकिन उनके पास वो है कि वो अमीर हैं, वो बड़े हैं, वो शायद हमारे खुदरा व्यापारियों को पसंद भी ना करें।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.